हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 6 फरवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू फाइंड दीज वीडियोस हेल्पफुल, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो दैट बाय कमेंटिंग बिलो, लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इफ़ यू हैवन डन दैट। चैनल पे विजन IAS की इकोनॉमी की वीडियो अपलोड हो गई है। आई वुड लिंक द वीडियो इन द आई बटन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि अगर आप खुद से इकोनॉमी का कंटेंट पढ़ेंगे, देखिए विजन IAS की मैगजीन्स में इकोनॉमी का सेक्शन, इन्वायरमेंट का सेक्शन ऑलरेडी बहुत इंटिमिडेटिंग होता है, क्योंकि बहुत बल्की होता है ये सेक्शन। तो क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस करने होते हैं, तो ऑन देयर पार्ट विजन IAS की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा वो इलैबोरेट करके सेंटेंसेस को नहीं लिख सकते, क्योंकि उतना कवर करना है एक स्टूडेंट के लिए वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको बहुत जगहों पे कंटेंट में एक लैग दिखेगा, सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं है, और आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो डेफिनेटली नहीं मिल सकती। अगर यू नॉट गुड विद द स्टैटिक पोर्शन, यू नॉट गुड विद अदर स्टाफ, यू हैव नॉट बीन फॉलोइंग द न्यूज एंड न्यूज पेपर्स प्रॉपरली। तो इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे अगर कोई एक ओवर लीवरेज्ड कॉरपोरेट हाउस है तो उसका क्या लिंक है NPA क्राइसिस से, यू नो स्लिपेज क्या होता है ट्रेड टर्म्स में और स्लिपेज क्या होता है बैंकिंग टर्म्स में, और दोनों में क्या कोई लिंक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस NPA एंड नेट NPA विद एग्जांपल्स ऑफ कोर्स, और साथ ही में सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स, लॉस एसेट्स, राइट ऑफ, ये सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करना, लिंक क्या है और क्यों यू नो सरकार बार बार कहती है राइट ऑफ्स करने चाहिए, जबकि राइट ऑफ तो एक बुरी चीज़ भी हो सकती है। तो यू नो इस तरह की चीज़ें, और टैक्स लायबिलिटी का क्या लिंक है NPA क्राइसिस से, क्या हर बैंक टैक्स पे करता है, अगर हर बैंक नहीं करता तो कौन से बैंक्स नहीं करते। डिजिटल लेंडिंग को लेके RBI हैज़ बीन वेरी एप्रिहेंसिव, क्यों, क्योंकि जो डिजिटल लेंडिंग का FLDG मॉडल है वो RBI को कुछ खास पसंद है नहीं। सो वॉट इज़ FLDG मॉडल और क्यों ये काफ़ी बड़ा कंसर्न बन चुका है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, यू नो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है, रीक्लासिफाई कर दिया गया, लॉट ऑफ थिंग्स जो आप खुद से पढ़ेंगे आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। सो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। सो आई वुड लिंक द वीडियो इन द आई बटन, इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल यू कैन लेट मी नो दैट बाय कॉमेंटिंग बिलो। ऑल राइट, तो आज के वीडियो का पहला आर्टिकल द हिंदू के टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट का एक आर्टिकल है, आंध्र प्रदेश कैपिटल कोनंड्रम। नाउ आपको अगर यू नो अगर आप काफ़ी समय से न्यूज़पेपर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो कैपिटल का इशू है वो काफ़ी बार न्यूज़पेपर्स में हम देखते हैं, समटाइम सम कैपिटल समटाइम सम अदर कैपिटल प्रपोज की जाती है। तो यहाँ पे हमें यही इशू काफ़ी यू नो ब्रीफली डिस्कस करना है। तो जब से देखिए आंध्र प्रदेश को बायफर्केट किया गया है बाय आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014, तो इस जैसे आप जानते हैं बायफर्केट किया तो एक आंध्र प्रदेश बना स्टेट और दूसरा स्टेट बना था तेलंगाना। तो तब से लेके अभी तक आंध्र प्रदेश की कैपिटल एक कंटेंशियस इशू रहा है। ओके, तो आप जानते हैं जो N चंद्रबाबू नायडू जो तेलुगु देशम पार्टी के यू नो की तरफ से लड़े थे और उनके चीफ भी हैं, और ही केम टू पावर June 2014 में जब बाइफिकेशन हुई स्टेट की, तो उनका यू नो प्रपोजल ये था कि देखिए हम अमरावती को ही कैपिटल सिटी मानेंगे आंध्र प्रदेश की। तो पहला बेसिकली जो कैपिटल निकल के आया वो अमरावती था। फिर गवर्नमेंट ने पास किया AP यानी कि आंध्र प्रदेश CRDA एक्ट, और उन्होंने एस्टैब्लिश किया आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को, कि बेसिकली हम क्या करेंगे अमरावती की प्लानिंग, उसको एग्जीक्यूट करना, उस प्लानिंग को फिनेंस करना, अमरावती के डेवलपमेंट को, ब्यूटिफिकेशन एंड यू नो ऑल ऑफ दैट, ये बेसिकली हम कैपिटल रीजन के जो यू नो कैपिटल रीजन डेवलपमेंट एरिया के लिए हम इस तरह से प्लानिंग करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, ये पॉटी बनाए। नॉट इम्पॉर्टेंट, बस आपको अमरावती का पता होना चाहिए कि ओके दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई स्टार्ट विद द कैपिटल थिंग। ओके, तो उसके लिए साथ ही में क्या हुआ कि एक लैंड पूलिंग स्कीम भी लाई गई, जिसके तहत क्या हुआ फार्मर्स को, क्योंकि अमरावती कैपिटल रीजन में यू नो लैंड पूलिंग स्कीम बेसिकली उनको ऑफर की गई, और उनसे बेसिकली एक्वायर किया गया 33,000 एकर्स लैंड जो कैपिटल को बिल्ड करने के लिए जरूरी था। देखिए लैंड पूलिंग इन द सेंस जो एरिया कैपिटल के लिए चाहिए होगा, कुछ पैचेस में कुछ फार्मर्स का एरिया वहां पे बीच में पड़ रहा होगा, लेकिन वो कैपिटल बनानी है उस जगह पे पूरी, तो उनको यू नो बेसिकली कहीं और लैंड देके या फिर
कॉम्पनसेशन देके इस तरह से यू नो बेसिकली यहाँ पे अमरावती को कैपिटल रीजन में डेवलप करने की बात की गई थी। अब लेकिन मिस्टर नायडू ने अमरावती ही क्यों चूज की थी, तो बेसिकली 2014 में कमेटी को अपॉइंट किया गया था, शिव रामकृष्णन कमेटी। तो उन्होंने फेवर किया था कि देखिए डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए और विजाग सब रीजन को हम कहते हैं कि कैपिटल स्पेस बनाएंगे, इट इज अ पोटेंशियल कैपिटल। तो विजाग आप जानते हैं कि विशाखापट्टनम, लेकिन मिस्टर नायडू का ये मानना था कि विशाखापट्टनम तो ऑलरेडी एक डेवलप्ड सिटी है, तो यू नो इससे अच्छा है कि हम किसी और रीजन को हम यू नो पहचाने परखें और उसको डेवलप करें। एक डेवलप्ड रीजन को और क्या डेवलप करेंगे, तो कैपिटल हम किसी ऐसी जगह को बनाएं जो प्लान अभी डेवलप्ड नहीं है, जैसे अमरावती, उस पर अपना फोकस डालें। तो और यू नो उनका कहना था विशाखापट्टनम तो ऑलरेडी हमारी फिनेंशियल कैपिटल है ही, तो उस कमेटी ने जो बेसिकली सजेस्ट किया वो उनसे नहीं अलाइंड किया मिस्टर नायडू ने। ही वांटेड अ ग्रीन फील्ड कैपिटल इन अ न्यू रीजन फॉर डेवलपमेंट, तो वही चीज, उनको एक बिल्कुल नई जगह को कैपिटल बनाना था और उसे डेवलप करना था। फिर क्या चेंज आया 2019 में, वाईएसआर कांग्रेस आप जानते हैं टीडीपी को, तेलुगु देशम पार्टी को उन्होंने डिफीट किया, ओके। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी सरकार बनाई और उन्होंने सरकार बनाते ही इमीडिएटली 2019 में ही अपॉइंट किया जीएन राव कमेटी को। तो जीएन राव कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की, तो उन्होंने बेसिकली रिपोर्ट सबमिट की किस चीज पे, कि पहला जो कमेटी बैठी थी और उनका जो डिसेंट्रलाइज कैपिटल आइडिया था उस पर अपनी बेसिकली रिकमेंडेशन देनी थी। तो उस रिपोर्ट के आधार पर बेसिकली यू नो जो करंट चीफ मिनिस्टर है वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी, वो एक आइडिया के साथ आए। उन्होंने कहा कि देखिए विशाखापट्टनम को हम एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाएंगे, कर्नूल को हम जुडिशियल कैपिटल बनाएंगे और अमरावती को हम लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाएंगे। तो ये चीज आपको, अगर आप इस साल के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं, इसमें याद करने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि इतनी बार न्यूज में आता है तो आपको पता ही होगा, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ओके। तो ये बात, क्योंकि आपको पता है एक सरकार के, गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव के लिए बेसिकली विशाखापट्टनम को चूज किया वाईएसआर कांग्रेस की सरकार ने, उन्होंने जुडिशियल कैपिटल के रूप में कर्नूल को बेसिकली सिलेक्ट किया और साथ ही में लेजिस्लेटिव कैपिटल के रूप में जहां पार्लियामेंट होगा यानी कि इनका लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसको अमरावती, उसके लिए अमरावती को चूज किया। तो जनवरी 2020 में क्या हुआ, दी असेंबली अप्रूव्ड द रिपीलिंग। तो ऑफ कोर्स देखिए, जब आपने ये सब कुछ सिलेक्ट किया, तीन स्टेट कैपिटल सिलेक्ट कर ली हैं, तो आपको पहला एक्ट जो एपीसीआरडी एक्ट था उसको रिपील करना पड़ेगा, जिसने बेसिकली डिसेंट्रलाइज कैपिटल का कॉन्सेप्ट लेके आया है ना, जिसके तहत अमरावती की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इस तरह से जो भी चीजें होनी थी। तो फिर असेंबली ने जनवरी 2020 में उस एक्ट को रिपील किया और पास किया एपी डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स बिल 2020। लेकिन अब देखिए क्या थे, 63 फार्मर्स के करीब थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट को अप्रोच किया अगेंस्ट दिस न्यू एक्ट विच हैड कम अप। तो और काफी उन्होंने यू नो एजिटेट किया, प्रोटेस्ट हुई और फिर एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन मार्च 2022 आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी। उन्होंने बोला कि देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है, द स्टेट गवर्नमेंट शुड फॉलो, उनको बेसिकली जो एपीसीआरडीए एक्ट में लिखा है कि अमरावती ही स्टेट कैपिटल के रूप में यू नो परफॉर्म करेगी, वही रहेगी, तो दे विल हैव टू फॉलो इट, अमरावती ही स्टेट कैपिटल, क्योंकि आपने लैंड पूलिंग स्कीम और ये सब कुछ जो किया उसको आप ऐसे खारिज नहीं कर सकते। सो अमरावती वुड सर्व एज द स्टेट कैपिटल फॉलोइंग द वर्डिक्ट। इस वर्डिक्ट के बाद क्या हुआ, सितंबर 2022 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। आंध्र प्रदेश की सरकार ने कहा कि देखिए जो हाई कोर्ट की वर्डिक्ट है ये तो हमारे फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, आप एक स्टेट का यू नो हक है ना कि स्टेट डिसाइड करेगा कि कौन सी कैपिटल सिटी है कौन सा नहीं, तो एक हाई कोर्ट तो बताएगा नहीं हमें कि हमें कौन सी सिटी को कैपिटल बनाना है कौन सी को नहीं। तो फिर क्या हुआ, नवंबर 28 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को स्टे लगा दिया। इस पर उन्होंने कहा कि मतलब ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, अमरावती कैपिटल नहीं बनेगी, हम इस पर एक स्टे लगा रहे हैं, रोक रहे हैं इसको अभी इम्प्लीमेंटेशन होने से, उनके वर्डिक्ट को। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है और साथ ही में यू नो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि देखिए कोर्ट थोड़े ना एक्ट कर सकते हैं टाउन प्लानर के रूप में, हम टाउन प्लानर्स थोड़े ना हैं, तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली। लेकिन अभी उन्होंने ऑल्दो अपनी
यू नो फाइनल जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कर लिया है, पर अभी हियरिंग प्रोसेस इज स्टिल ऑन, इट इज सब जुडी, या देखिए अभी भी मैटर जो है वो पेंडिंग है जुडिशरी में, ठीक है। तो उन्होंने रिजर्व कर लेना फाइनल जजमेंट का मतलब क्या होता है कि उनको पता है, अब देखिए वो फिक्स हो चुका है कि जजमेंट आने वाली क्या है, सारे पक्षों को सुन चुके हैं, रिपोर्ट्स बना चुके हैं, क्या डिसीजन आने वाला है वो उनको पता चल गया है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है, बट ऑफकोर्स दैट हैजंट कम अप एज ऑफ येट। तो अब क्या हुआ है, अब हम क्यों कैपिटल इशू को डिस्कस कर रहे हैं, अब जब इतनी पुरानी ये करंट अफेयर है तो आज क्यों आया है न्यूज़पेपर में, क्योंकि जनवरी 31 को मिस्टर रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी जी ने एक इन्वेस्टर समिट में जो न्यू दिल्ली में हुआ, डिक्लेयर किया कि विशाखापट्टनम को हम बहुत ही जल्दी कैपिटल बनाने वाले हैं, ओके, और मैं खुद भी वहां पे शिफ्ट करने वाला हूँ पोर्ट सिटी में। तो ऑपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि देखिए ये तो साफ साफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि ये एपेक्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है, ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। और एक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एडवोकेट ने एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि सीएम ने ग्रॉसली वायलेट किया है सेक्शन 2 क्लॉज सी ऑफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, क्योंकि आप बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को यू नो you are undermining it and interfering with the administration of justice with regard to the capital city of AP. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो जो जिस ग्राउंड पे आंध्र प्रदेश की सरकार आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के खिलाफ गई सुप्रीम कोर्ट में, तो वो फेडरलिज्म का यू नो रैशनल था कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, एक हाई कोर्ट का हमें बताना कि किसको कैपिटल बनाना है किसको नहीं। अब इस पर्टिकुलर यू नो जगनमोहन रेड्डी जी की इस स्टेटमेंट के खिलाफ विशाखापट्टनम को हम सिटी बनाएंगे, कैपिटल सिटी बनाएंगे, इसके खिलाफ जो केस आ रहा है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रैशनल पे है कि क्योंकि अभी तो यू नो मैटर इज सब्जेक्टाइज, यू कांट डू दिस। तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नॉर्थ स्टार, देखिए आई थिंक ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और आप जानते हैं इस बार आप एक्सपेक्ट करके चलिए ज्योग्राफी, तो खैर यहाँ पे बहुत ज्योग्राफी है, कुछ साइंस है, तो साइंस से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, साइंस एंड टेक से आपके प्रीलिम्स में, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं पिछले कुछ सालों में इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है वो काफी बढ़ चुका है, फॉरेस्ट सर्विसेज का भी सेम प्रॉब्लम्स होने की वजह से। अब साथ ही में क्योंकि IRMS भी जो यू नो सर्विसेज हैं वो भी इसी एग्जाम के थ्रू कंडक्ट होगा, उनका भी सब कुछ प्रॉब्लम्स, तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप साइंस एंड टेक को काफ़ी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए बहुत सारी चीज़ों में। यू शुड बी नोइंग व्हाट बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट, व्हाट DNA इज, व्हाट जीन इज, यू नो ऑल दैट, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्पेसिफिकली स्पेस टेक्नोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए, मतलब बहुत डिटेलली एक जेनरिक अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ की होनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है और हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं नॉर्थ स्टार को। ओके, जैसे कि आप जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने, ऑल दो देखिए यू वुड लाफ एट इट कि ये क्या यू नो ये तो कोई लिंक ही नहीं है, व्हाई आर वी डिस्कसिंग इट, पर ऐसा होता है बहुत बार जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दी जाती हैं या फिर कोई भी पब्लिक डोमेन में एक जो टर्म है वो बार बार एक पक्ष किसी और वे में यूज कर रहा है, दूसरा पक्ष किसी और वे में, उस पर एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ जाता है। गूची मशरूम्स इज वन सच एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने फ्राइडे को बोला है कि देखिए पार्लियामेंट होता है नॉर्थ स्टार ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि पार्लियामेंट गाइड करता है कि डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, क्योंकि पार्लियामेंट इज एक्चुअली वो जगह जहाँ पर डिस्कशन, डेलिब्रेशन और डिस्कोर्स होना चाहिए, क्योंकि यही तो एक बेसिकली जब भारत के हर एक इंसान में अपने उनके हर यू नो भारत के नागरिक के कुछ ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, इसीलिए उन्होंने अपने बिहाफ पे कुछ लोगों को सिलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजा है। तो जब पार्लियामेंट में वो लोग डिस्कस कर रहे हैं यू नो डेलिब्रेट कर रहे हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो इसका मतलब भारत के नागरिक एक दूसरे से डेलिब्रेट कर रहे हैं। सो एक्चुअली जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा हाउ शुड यू नो द कंट्री वी रन, हाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इशूज। सो ये सारी चीजें बेसिकली जो नॉर्थ स्टार है पूरी डेमोक्रेसी का वो पार्लियामेंट है, ये जगदीप धनखड़ जी ने कहा। आप जानते हैं जगदीप धनखड़ जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, काफी इस तरह की चीजें जैसे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, तो ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, भारत पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी नहीं फॉलो करता, उन्होंने एक जेनेरिक टर्म्स में कहा था, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी को फॉलो करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ऑलराइट, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं एक ही महीने पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़,
उन्होंने क्या बोला था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो केशवानंद भारती जजमेंट 1973 में ये जो मैकेनिज्म इवॉल्व किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो नॉर्थ स्टार है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को क्या करना होता है, सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को भी अगर हम देखें, वैसे तो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का, आप कहते हैं कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का काम है बेसिकली टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन आप इंटरप्रेट भी किस तरह पे करेंगे, कोई तो रैशनल होना चाहिए. तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो केशवानंद भारती में बोला गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, 13 जज बेंच बैठा था जिन्होंने कहा कि देखिए आप अमेंड कर सकते हैं, पार्लियामेंट के पास पावर है कि उस संविधान को जो चाहे जैसे भी चाहे अमेंड करे, लेकिन जो अमेंडमेंट करना यू नो शुड नॉट बी इक्वल टू रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोली बिल्कुल चेंज कर दें आप. तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं, कुछ बेसिक चीजें जैसे सेक्युलरिज्म, यू नो सेक्युलरिज्म अगर हम देखें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये कुछ कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. अगर आप इन्हें चेंज कर देंगे तो आपने पूरा संविधान ही बदल दिया. तो वो हमारे लिए नॉर्थ स्टार है, वो हमें गाइड करता है व्हाइल वी इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आई थिंक ये आपको पोलिटिकली और जुडिशरी समझ आ गया कि क्या कॉन्टेक्स्ट था. लेकिन अब हमें डिस्कस करना है नॉर्थ स्टार है क्या, अ लिटिल बिट साइंस हियर एंड आल्सो ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी की भी आई थिंक 6ठी कक्षा की किताबों में इस चीज के बारे में है. अगर आप पढ़ चुके हैं सब कुछ, आप जानते हैं, याद है आपको सब कुछ, तो वेरी गुड. ओके, गाइड टू नेविगेशन. तो आप जानते हैं पोलारिस, जिसको हम नॉर्थ स्टार कहते हैं या पोल स्टार कहते हैं, इट इज अ वेरी ब्राइट स्टार, अराउंड 2500 टाइम्स मोर ल्यूमिनस देन द सन. तो आपको ये स्टेटमेंट याद होनी चाहिए कि सन से भी ज्यादा जो ब्राइट है वो पोलारिस है, नॉर्थ स्टार है. अभी देखिए मैं आपको बताऊंगी किस तरह की, जैसे ये स्टेटमेंट एज इट इज पूछी जा सकती है, लेकिन एक स्टेटमेंट ये आ सकती है दैट पोलारिस और नॉर्थ स्टार इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई. नो इट्स नॉट. आप जानते हैं कि इट्स आई थिंक 48th के करीब इसकी रैंकिंग है. अगर हम इसकी ब्राइटनेस में बात करें तो इट्स नॉट द ब्राइटेस्ट ऑफ द स्टार्स पोलारिस. तो आप जानते हैं सीरियस है, SIRIUS, सीरियस जो एक जिसे हम डॉग स्टार कहते हैं, तो वो है सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट. और फिर उसके बाद अगर हम सेकेंड नंबर पे देखें तो कैनोपस है. तो कहीं भी दूर दूर तक जो पोलारिस है या नॉर्थ स्टार है वो ब्राइटेस्ट स्टार नहीं है, पर ये अपनी कॉन्स्टिलेशन में, जिसे हम उर्सा माइनर कहते हैं, ठीक है, तो उर्सा माइनर का, जी हाँ बिल्कुल, ब्राइटेस्ट स्टार है अपनी कॉन्स्टिलेशन का. तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए. देखिए दूसरी स्टेटमेंट ये आ सकती है दैट इट इज द ब्राइटेस्ट स्टार, जो गलत होगा, और आपको सही पता है कि क्या है. तीसरी स्टेटमेंट ये भी हो सकती है कि आपको कॉन्स्टिलेशन पता होना चाहिए. बेसिकली आपको जो यू नो आपके साथ ब्लफ हो सकता है यहाँ पे, वो उर्सा मेजर लिख देंगे. तो उर्सा माइनर आपको पता होना चाहिए, जैसे हम शॉर्ट बेयर, यू नो बिग बेयर, ये जो बोलते हैं आप जानते हैं, राइट. तो उर्सा माइनर की कॉन्स्टिलेशन का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार इज पोलारिस, और इट इज अराउंड 323 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. अब देखिए क्या है पोलारिस, क्या है, हमारे नॉर्थ सेलेस्टियल पोल से केवल 1 डिग्री अवे है. ओके, और अगर देखिए अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और आप बिल्कुल सेलेस्टियल पोल के पास खड़े हैं, तो अगर आप सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली आप बिल्कुल जाके बंप करेंगे किस चीज में, पोलारिस में. तो इन द सेंस बिल्कुल सीध में है. इसका मतलब क्या है कि जो आपका अर्थ का रोटेशनल एक्सिस है वही इसका भी बेसिकली बिल्कुल उसके साथ अलाइन करता है. तो जैसे जैसे आप घूम रहे हैं, हमारी अर्थ घूम रही है, वैसे वैसे ये भी घूम रहा है, समझ रहे हैं ना, घूम रहा है, इन द सेंस रोटेशनल एक्सिस बिल्कुल हमारे सीध में आता है. तो इसीलिए क्या है, ये हमें कांस्टेंट दिखता है. नॉर्थ स्टार क्या चीज है, इसको हम एक मेटाफर के टर्म में, ईडियम के टर्म में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इट्स कांस्टेंट, ये वैसा ही रहेगा, ठीक है. वो वैसा ही इसलिए रहता है क्योंकि जैसे हम घूम रहे हैं हमारा रोटेशनल एक्सिस बिल्कुल अलाइंड है, तो हमें वो कांस्टेंट दिखता है, मूव करता हुआ बिल्कुल नहीं दिखता. लेकिन जो बाकी स्टार्स हैं वो हमारे रोटेशनल एक्सिस के अलाइनमेंट में नहीं है, और इसीलिए हमें बाकी स्टार्स जो हैं वो पोलारिस के आसपास घूमते हुए दिखते हैं, नॉर्थ स्टार के आसपास घूमते हुए दिखते हैं. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. इट अपीयर्स टू सिट मोशनलेस इन द नॉर्थ स्काई while all other stars appear to rotate around it. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी कुछ चीजें हैं जो you know ये भी आपको 1 degree वाला लिखा हुआ भी आ सकता है, because UPSC has been doing it lately in science and tech questions, के वो as it is number लिखने लगी है. और पहले क्या होता था, जो number होते थे वो गलत होते थे, पर अब number जो लिखे होते हैं वो सही होते हैं. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. इसमें तो कुछ है भी नहीं है, very easy. Its position and brightness have allowed humans to, अब आप जानते हैं कि
एंशियंट टाइम्स में भी जो नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है, डायरेक्शन बताने के लिए, वो पोलैरिस को ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये काफी ब्राइट है और जो इसकी पोजीशन है, जब हमें पता चल जाता है कि अच्छा हम नॉर्थ में हैं, अगर ये बिल्कुल हमें सीध में दिख रहा है तो. ओके, सिंपली द एलिवेशन ऑफ द स्टार अबव द होराइजन गिव द अप्रोक्सीमेट लैटिट्यूड ऑफ द ऑब्जर्वर. देखिए, फिर आपको ये पता चल गया अच्छा नॉर्थ ये है, तो फिर बाकी पोजिशन तो आप बता ही सकते हैं. इसके इधर वाला साउथ होगा, बिल्कुल ऑपोजिट वाला इधर वाला ईस्ट होगा, यहाँ वाला वेस्ट होगा. तो आई होप यू अंडरस्टैंड, एक पोजिशन हमें पता चल गई तो बाकी यू एक्सट्रापोलेट एंड गेट टू नो, राइट? तो ये सारी चीजें यहाँ देखिए, अपॉन क्रॉसिंग द इक्वेटर टू द साउथ. लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो आपको नाइट के स्काई में ये नहीं दिखता. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब तक आप हैं, देन ओनली इट कैन यू नो एक्ट एज अ गाइड फॉर नेविगेशन. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. ओके, टॉलमी एंड कोलम्बस. अब देखिए, ये भी आ सकता है, ऑल्दो काफी अनकन्वेंशनल होगा, पर यूपीएससी हैज बिकम अनकन्वेंशनल, सो यू कैन नॉट से एनीथिंग कि ये नहीं आएगा, आएगा ही आएगा. ठीक है, तो जो पोलैरिस है, इट सीम्स टू हैव बीन फर्स्ट चार्टर्ड बाय द रोमन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनोमर टॉलमी. तो टॉलमी रोमन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनोमर थे, हु लिव्ड यू नो कितने साल से कितने साल के बीच में, बेसिकली 85 to 165 BC के समय का इनका समय था, यू नो बेसिकली रहने का, जीने का. तो इसके आसपास बेसिकली हमें पता चला पोलैरिस के बारे में. वाई देर इज सम एविडेंस दैट द स्टार वॉज यूज फॉर नेविगेशन इन द लेट एंटीकटी, इट वॉज ड्यूरिंग द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन दैट इट बिकेम अ सेंट्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. जब बेसिकली जो यूरोपियंस थे वो यू नो ट्रैवल करने लगे, देखने लगे कि दूर के लैंड्स कैसे हैं, फिर उस पर बाद में कब्जे वाली चीज आ गई, यू नो ऑल ऑफ दैट. तो ये इट केम इन टू पिक्चर लेटर ऑन. लिटररी मेटाफर, तो अगर हम यहाँ पे लिटररी मेटाफर भी देखें, तो द फर्स्ट वेल नोन इंस्टेंस, पहली बार यू नो हम आपस में भाषाओं में. अब देखिए, नॉर्थ स्टार तो मतलब ये होता है, तो अब जगदीप धनखड़ जी या DY चंद्रचूड़ जी नॉर्थ स्टार को अगर यूज कर रहे हैं, तो कभी तो लिटररी कॉन्टेक्स्ट में या लेक्सिकन में या कभी ऐड हुआ होगा, कब पहली बार हमने देखा लिटरेचर में अपेयर करता हुआ नॉर्थ स्टार को, तो टेक्निकल ट्रिटाइज के बाहर, तो एस्ट्रोनॉमी या बायोग्राफी के टर्म्स के बाहर, तो हमने पहली बार शेक्सपियर के जूलियस सीजर में देखा, ऑटोबायोग्राफी बेसिकली. ओके, तो वेयर दी ओके जहाँ पे एम्परर डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज बीइंग एज कॉन्स्टेंट एज द नदन स्टार. लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सीजर को तो कभी पता भी नहीं था कि क्या होता है यू नो कॉन्स्टेंट नॉर्थ स्टार. ऑल दो उसकी ये जो किताब है जो शेक्सपियर द्वारा लिखी गई, उसमें यू नो ऐसे लिखा है एज कॉन्स्टेंट एज द नॉर्दर्न स्टार, पर सीजर का जो अगर आप देखेंगे 49 to 44 BC के समय यहाँ पे रहे, और इसके 85 to 165 के बाद तो बेसिकली पोलारिस ने इसको डिस्कवर किया या बताया इसके बारे में. ठीक है, तो ये चीज़ आपको सीजर वाली चीज़ भी पता होनी चाहिए. लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताना चाहती हूँ, जो आपके प्रेलिम्स के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो नॉर्थ स्टार है वो एक टाइटल है. ऐसा नहीं है कि पोलैरिस ही नॉर्थ स्टार रहता है हमेशा, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. नॉर्थ स्टार केवल एक टाइटल है जो किसी और स्टार को भी दिया जा सकता है. ओके, तो देखिए, आई वुड रीड इट फर्स्ट और फिर मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे आपको क्या जानना है. एज द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन वॉबल्स इन द सेम वे एज अ स्पिनिंग. अब देखिए, आप लट्टू जानते हैं, स्पिनिंग टॉप जिसे हम कहते हैं, तो जब आप उसे घुमाते हैं तो वैसे तो सीधा रहता है, तो घूम रहा घूम रहा घूम रहा, अपना जो भी अलाइनमेंट है उसमें होता है, लेकिन जैसे थोड़ा धीरे होने लग पड़ता है तो टिल्ट हो जाता है, जिसे हम वॉबल कहते हैं, है ना? तो इन द सेंस अब वो पोलैरिस की तरफ ना करके कहीं और करेगा, है ना? समझ रहे हैं ना हम? तो ये इसको बेसिकली वॉबल की वजह से, जरूरी नहीं है हर बारी पोलैरिस ही नॉर्थ स्टार है. अब हर बारी का मतलब इसमें हजारों साल का गैप आता है, ठीक है, हर 26,000 साल बाद पोलैरिस ही, अभी जैसे अभी प्रेजेंटली पोलैरिस ही नॉर्थ स्टार है. ठीक है, तो नॉर्थ स्टार तो एक टाइटल है, ये आपको पता होना चाहिए. और पोलैरिस स्टार का नाम है, जैसे एक वेगा, वेगा एक स्टार है, अबाउट 14,000 years ago द सेलेस्टियल पोल पॉइंटेड टूवर्ड्स, जो जिस भी तरफ सेलेस्टियल पोल पॉइंट कर रहा है सीध में बिल्कुल, वो बेसिकली बन जाता है नॉर्थ स्टार. तो 14,000 साल पहले बेसिकली जो ब्राइट स्टार वेगा है उसको पॉइंट किया गया, तो वो नॉर्थ स्टार बन गया. ओके, तो इट विल अगेन पॉइंट टू वेगा अगले और 12,000 साल के बाद, बेसिकली वेगा पे पॉइंट आउट होगा और ये बन जाएगा दोबारा नॉर्थ स्टार. तो पोलैरिस हमेशा के लिए ही बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि नहीं है नॉर्थ स्टार. तो ये टाइटल वाली चीज यू शुड नो. ओके, अब यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं परवेज मुशर्रफ, ही हैज पास्ड अवे इन दुबई इन द अमेरिकन हॉस्पिटल.
ओके तो उनके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लिंक है परवेज़ मुशर्रफ का और पाकिस्तान की करंट स्थिति का, जिससे वो गुजर रही है, जिस टेररिज्म से पाकिस्तान गुजर रही है, TTP, तहरीक तालिबान। तहरीक तालिबान का जो अब जन्म है वो कहीं ना कहीं परवेज़ मुशर्रफ की बहुत सारी गलतियों की वजह से हुआ था, और यही हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए आप देखते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग शोक क्यों नहीं मना रहे, पाकिस्तान के लोग शोक इसलिए नहीं मना रहे क्योंकि जिस बहुत बड़ी चीज़ से वो जूझ रहे हैं इस समय पे, कहीं ना कहीं उसका जो रीज़न है वो परवेज मुशर्रफ है। इकोनॉमिक क्राइसिस है, क्योंकि एक्चुअली परवेज मुशर्रफ जी के समय पे, जैसे हमने आई थिंक कल या परसों एक एडिटोरियल पढ़ा था जिसने हमें ये बताया था कि हर बार जब भी यहाँ पे जनरल रूल आया है, जो मिलिट्री जनरल रूल आया है, तो तब तक पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया है। जब भी डेमोक्रेसी आई है पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में ही रहा है। तो ये चीज़ एक आपको पता है, तो इकोनॉमिकली नहीं, पर जो टेररिज्म वाली दिक्कत है, जो तहरीके तालिबान आज इन पे एक्ट कर, यू नो, अभी हमने मॉस्क में देखा एक अटैक, तो वो सारा रीज़न कहीं ना कहीं परवेज मुशर्रफ की वजह से है। ओके, सो पाकिस्तान आर्मी चीफ हु सीज्ड पावर फ्रॉम नवाज शरीफ इन 1999 एंड रूल्ड द कंट्री फॉर नेक्स्ट 9 years। तो आप जानते हैं 2008 में ही स्टेप्ड डाउन, 1999 में नवाज शरीफ से इन्होंने पावर ओवरटेक की थी परवेज मुशर्रफ ने। तो उनको ऐसा लगता था वो हर दिक्कत, हर मुश्किलात जो पाकिस्तान जिस भी चीज़ से जूझेगा, उनके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। ही इज़ द सोल्यूशन, एक्चुअली उनके पास नहीं, वही सोल्यूशन है। हम आ गए हैं तो हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हम Within 2 years of installing himself as the chief executive, तो 2 साल हुए ही हुए थे उनको अभी पावर में आए हुए, तो इन मिलिट्री डिक्टेटर ने काफ़ी दिक्कतें इनको समझ आने लगी कि पाकिस्तान के कुछ सिस्टमिक फ्लॉज हैं, पाकिस्तान का स्ट्रक्चर ही एकदम गड़बड़ है, और ये जो गड़बड़ी इन्हें दिख रही थी कहीं ना कहीं इन्होंने ही क्रिएट की थी। इट वॉज इज ओन क्रिएशन ओनली। सम अगर हम कहीं देखें, जैसे पाकिस्तान आर्मी पावर में जब आई तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इनको काफ़ी बैकलैश देखने को मिल रहा था समय से समय पर, और साथ ही में यू नो पाकिस्तान आर्मी इन कोल्यूजन विद रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, तो बहुत सारे रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जो थे, यू नो अलकायदा रिलेटेड हों या फिर और जितने भी, क्योंकि वहीं से सब ऑपरेट कर रहे, तो ये इन्हें एक दिक्कत दिखने लगी। ओके, और उनको ये भी पता ही था कि पाकिस्तान आर्मी कोल्यूजन में है रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट के साथ। 9/11 गिवन अ टफ चॉइस बिटवीन कोऑपरेटिंग। अब आप जानते हैं, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, जैसा कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह रही है। पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है वो एक स्ट्रेटेजिक एज प्रोवाइड करती है पाकिस्तान को, एटलीस्ट अभी तक तो करती थी, अभी थोड़ा यू नो दिक्कत हो गई है उनके लिए। तो क्यों? क्योंकि वो जहाँ पे प्रेजेंट है उसके बिल्कुल साथ में अफगानिस्तान है, और आप जानते हैं कोल्ड वॉर के टाइम पे जब यूएस और यूएसएसआर एक दूसरे के खिलाफ थे, तो यूएसएसआर ने आके वहाँ पे, सोवियत यूनियन ने बेसिकली वहाँ पे आके इन्वेजन किया था अफगानिस्तान में, और फिर अफगानिस्तान से उनको भगाना था, तो तब भी यूएस ने बेसिकली पाकिस्तान को बोला था आप मुजाहिदीन तैयार कीजिए, फंडिंग हम करेंगे, वेपन्स हम भेजेंगे। तो इन मुजाहिदीन ने बेसिकली सोवियत यूनियन को हराया, तो मुजाहिदीन से कॉन्फिडेंस आ गया, अरे हमने सुपर पावर हरा दी, हम तो किसी को भी हरा सकते हैं। साथ ही में वही मुजाहिदीन, आप देखिए आज उन्होंने ही यूएस को भी हरा दिया। तो यू नो जो आप तालिबान आज देख रहे हो, कहीं ना कहीं इन्हीं के ट्रीटेड लोग हैं, ठीक है? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही में फिर उसके बाद यू नो इस समय पे क्या हुआ, यूएस ने जब यू नो 9/11 टेरर अटैक हुआ जब यूएस में, तो फिर उसके बाद परवेज मुशर्रफ जी के पास एक चॉइस थी कि वो इन रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट का साथ दें, क्योंकि उसामा बिन लादेन जो अलकायदा चीफ थे, उनको पता था कि वो पाकिस्तान में ही रहते हैं, पता था सबको, पाकिस्तान की सरकार को पता था। तो उनके पास एक चॉइस थी कि क्या हम किसका साथ दें, यू नो इस रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट और आर्मी का, या फिर यू नो आई शुड गो विद यूएसए। तो फिर उन्होंने यूएस को चूज किया, उन्होंने बोला हम आपके वॉर ऑन टेररिज्म के साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। तो ये बेसिकली उनका जो साथ है उसने पाकिस्तान को एक टैग दिलवाया मेजर नॉन नेटो अलाय का। वो नेटो के मेंबर नहीं है पर नॉन नेटो अलाय है, यूएस के अलाय हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स यू नो जब आप किसी की वॉर ऑन टेरर में उसका साथ दे रहे हैं किसी कंट्री का, ओके तो फिर आपको बहुत सारी फंडिंग भेजेगा। CSF जो हमने फंड डिस्कस किया उसमें कितने साल डॉलर्स यू नो पोर्ड इन पाकिस्तान में, बहुत डेवलपमेंट हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ देखा पाकिस्तान में, तो ये सब कुछ आप जानते हैं। ये सब कुछ परवेज मुशर्रफ जी के समय पे हो रहा है जब यूएस इनका अलाय है, यूएस और पाकिस्तान, ठीक है? द बिगेस्ट कॉन ही पुल्ड ऑफ वॉज टू कीप यूएस गेसिंग अबाउट। तो लेकिन अफगान उन्होंने उनका साथ दिया,
दिल पे पत्थर रख के बेसिकली उन्होंने काफी सारे रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट लोगों को जो टेररिस्ट थे उनको हैंडओवर भी किया, यूएस को बताया भी उनके बारे में, लेकिन उसामा बिन लादेन के बारे में उन्होंने नहीं बताया कि कहाँ पे है ना, क्योंकि उन्हें पता था कि अलकायदा के वो जो चीफ हैं वो पाकिस्तान में और ऑफ कोर्स फिर अफगानिस्तान में, ये बात आपको पता है। तो स्टिल फॉर ऑल दिस बैलेंसिंग एक्ट ही कुड नॉट प्रिवेंट द ब्लो बैक दिस कोर्स पाकिस्तान एंड हिम पर्सनली इन टू असैसिनेशन। लेकिन फिर ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आप चलिए ओसामा बिन लादेन के बारे में नहीं बता रहे पर आप वॉर ऑन टेरर में आपने पार्टिसिपेट कर लिया, ये कैसे आप कर सकते हो? आप मतलब उनको लगने लगा टेररिस्ट को कि हमारी कंट्री तो बेच दी है इसने यूएस को, तो फिर उन टेररिस्ट ने इन पे भी असैसिनेशन अटेम्प्ट किए। परवेज मुशर्रफ से दो ऐसे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए थे इन्हीं टेररिस्ट ग्रुप्स द्वारा, जिनके बारे में जा जाके थोड़ा बहुत बता रहे थे परवेज मुशर्रफ। हिज अटेम्प्ट टू क्लीन आउट इस्लामिस्ट रेडिकल्स हु हैड टेकन कंट्रोल ऑफ द कैपिटल्स लाल मस्जिद। तो इन्होंने फिर क्या किया, क्योंकि वॉर ऑन टेररिज्म तो अभी भी चल ही रही है, तो इनकी कैपिटल का जो बेसिकली लाल मस्जिद उसको उसका कंट्रोल किसके हाथ में आ गया था, इस्लामिस्ट रेडिकल्स के हाथ में। तो उन्होंने उनको निकालने की वहां से कोशिश की 2007 की ये बात है। और फिर जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP इनका जन्म होता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है सरकार तो बेकार है, ये तो मतलब शरिया लॉ होना चाहिए। जो आज आप तालिबान में सब कुछ देख रहे हैं वही उनको भी लगता था, सरकार इज नथिंग, दिस इज नॉट द लॉ वी शुड बी पोस्ट टू, देर इज ओनली वन लॉ एंड वी नो वॉट दैट लॉ इज एंड यू नो दैट शुड बी द थिंग, और ये सरकार को हमें हटाना है यहाँ से। तो फिर तहरीके तालिबान का जन्म हुआ यहाँ पे, ओके। और फिर इसी टेररिस्ट ग्रुप्स ने, ऐसा नहीं है आप पहली बार देख रहे हैं जो अभी टेरर अटैक्स हो रहे हैं, इस ग्रुप ने मलाला यूसुफी, आप जानते हैं मलाला को शूट किया था, आई थिंक 2012 का ये समय है, ओके। तो 2012 में मलाल बहुत सारे जो स्कूल जाती थी लड़कियां उनको बर्दाश्त नहीं था कि लड़की पढ़ नहीं सकती है एंड ऑल ऑफ दैट, तो उनको बहुत मारा गया। बहुत सारे स्कूल्स में अटैक्स हुए हैं, हॉस्पिटल्स में अटैक्स हुए हैं TTP द्वारा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सो ऑफ कोर्स द होल कंट्री सफर्ड वीक्स बिफोर हर असैसिनेशन फॉर विच TTP क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए हम जानते हैं बेनजर भुट्टो, बेनजर भुट्टो की जो मौत हुई थी 2007 में, वो TTP ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी, लेकिन बेनजर भुट्टो ने अपने मरने से कुछ ही हफ्तों पहले बोला था कि मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ बेसिकली मेरे को मरवाना चाहते हैं, ही इज प्लॉटिंग दैट। तो ये ऑफ कोर्स डिड नॉट गो डाउन वेल विद द आवाम ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लोगों को लगने लगा था थोड़ा पहले ही कि परवेज मुशर्रफ एक ट्रेटर हैं, उन्होंने हमें हमेशा डूब किया है एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सारी चीज़ें सबको लगने लगी थी। द एलिगेशन वॉज टू हॉन्ट हिम टिल द एंड, ही वॉज डिक्लेयर्ड अ फ्यूगिटिव, तो इकोनॉमिक फ्यूगिटिव, और ट्रीजन के केस में बेसिकली वो प्रूव भी हो गए थे। और फिर इनको एग्जाइल लेनी पड़ी 2016 में ही, बेसिकली UAE चले गए, और बहुत बार इन्होंने जतन किए कि वापस आ जाएं लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और ये छोड़ के चले गए थे एग्जाइल में। ही स्टेप डाउन इन 2008, तो लेकिन ऑफ कोर्स ही फाइनली डाइड देयर ओनली। सो ये चीज़, एज आर्मी चीफ एंड प्रेसिडेंट ही वॉज ऑल पावरफुल बट इज अटेम्प्ट टू मॉडर्नाइज पाकिस्तान। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि टर्की भी तो एक इस्लामिक देश है, बट टर्की इज मॉडर्नाइजिंग, इट इज सेक्युलर एंड ऑल ऑफ दैट, वी वॉन्ट ग्रोथ लाइक दैट, पर वो हो नहीं पाया। मुशर्रफ्स बिगेस्ट अचीवमेंट एट होम परहैप्स वाज टू अलाउ, लेकिन उनकी एक अचीवमेंट थी कि उन्होंने फ्री मीडिया, फ्री जर्नलिज्म को काफी प्रेरित किया, जो अपोज भी करती है, जो क्वेश्चन भी करती है सरकार को, लेकिन फिर यही मीडिया कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट हो गई। फिर उनको समझ नहीं आया कि अरे ये तो गलत हो गया। इन इंडिया डिस्पाइट हिज, अब आप देखिए भारतीय लोग क्यों जानते हैं इनको, भारतीय लोग इनकी डबल गेम के लिए जानते हैं, टेररिज्म की डबल गेम, क्योंकि जब बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी जी और परवेज मुशर्रफ मिले तो वो देखिए हर बार ऐसा हुआ है, जब भी पाकिस्तान और भारत ने बातचीत करके चीज़ों को सुलह करने की कोशिश की है, पाकिस्तान ने हमेशा बिट्रे किया हमें, हमेशा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ट्राई किया, फिर एक कारगिल वॉर छिड़ गई, परवेज मुशर्रफ वो अभी बातचीत कर ही रहे थे और वहां पे कारगिल वॉर छिड़ गई थी, तो ऑफ कोर्स इनकी प्लानिंग थी ये सब कुछ। और फिर उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने ट्राई किया तो तब एक अटैक हो गया, और ये भी आप जानते हैं कि मिस्टर मोदी, फिर उसके बाद जो मिस्टर मोदी ने जब ही वेंट टू ही वेंट टू पाकिस्तान एंड फिर जो भी बातें उसके बाद एक अटैक हो गया। तो
इट हैज ऑलवेज टॉक्स और टेरर इनका हमेशा साथ ही जाता है. फिर उसके बाद मिस्टर मोदी यू नो केम टू दिस कंक्लूजन दैट टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड आपको टेरर करना है टॉक करनी है. यू डिसाइड एंड देन कम टू अस. तो ये चीज अभी जो पाकिस्तान इतना अच्छा बन के दिखा रहा है हमें, अभी शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने लेसन सीख लिए हैं 3 बार वॉर्स हार के भारत से, वी शुड टॉक, वी शुड हैव अ डायलॉग एंड यू नो ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस. ऑल्दो उनकी इकोनॉमिक स्थिति बहुत बुरी है हम जानते हैं, तो शायद हमारे लिए भी एक एडवांटेज अगर हम बिल्कुल अनएथिकल होकर सोचे तो हम उठा सकते हैं इस चीज़ का, पर इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता. बस बात इतनी है, जब भी हमने बातचीत करने की कोशिश की है कुछ ना कुछ गलत किया है इन्होंने हमारे साथ. ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है एंड प्लेज दैट नो टेरर. तो यहाँ पे बेसिकली जब अटल बिहारी वाजपेयी जी और इनका यू नो लैंडमार्क जॉइंट स्टेटमेंट थी वो ये थी कि कोई भी टेररिस्ट एक्ट नहीं होगा भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान से या POK से लॉन्च हो. और फिर ये कायम भी रहे क्योंकि हमने एक पीस देखा इनके समय में ये चीज़. लेकिन ऑफकोर्स सियाचिन का, कश्मीर का इशू अपॉर्चुनिटी थी इनके पास रिजॉल्व करने की, फिर वो नहीं हो पाई थी. फिर 2003 में बेसिकली एक सीज फायर, ऑफकोर्स यही थे पावर में, जो 2003 में जो सीज फायर आप देखते हैं, सीज फायर आज भी जो हमने 2021 की फरवरी में सीज फायर दोबारा लागू की है LOC पे, वो 2003 के प्रोटोकॉल के तहत ही तो की है. तो ये प्रोटोकॉल किसने, सीज फायर अग्रीमेंट कौन लेके आया था 2003 का, परवेज मुशर्रफ जी के समय पे आया था. ओके, हिज डाउनफॉल बिगैन विद द किलिंग ऑफ बलूच लीडर. तो बलूच लीडर जो अकबर खान बुगती इनके यू नो बेसिकली मर्डर के बाद, और साथ ही में इनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी गिरने लगी. और फिर फेल्ड अटेम्प्ट टू सैक द चीफ जस्टिस एंड क्लाइमैक्स विथ हिज इग्नोनिमस प्रीएम्प्टिव एग्जिस्ट इन 2008 अहेड ऑफ अ प्लान्ड इम्पीचमेंट. उनको पता था उनकी पॉपुलैरिटी इतनी गिर चुकी है कि इम्पीचमेंट होने वाली है न्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंट द्वारा उनकी, सो ही एस्केप्ड इट. और यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं. और फिर आप जानते हैं 2008 में मुंबई टेरर अटैक्स भी हुए भारत के खिलाफ. तो वी शुड ऑफ डोंट यू नो ऑफकोर्स उनके समय में नहीं हुए, उनके जाने के बाद हुए, पर हमें ये चीज़ पता चल गई कि सिर्फ परवेज मुशर्रफ से बात करके, जो हम आर्मी का भी समझते थे उनके पास स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यू नो प्रेजिडेंट भी है, पार्लियामेंट से भी बात करनी पड़ती है. एक्चुअल में पाकिस्तान में क्या यू नो सेंटर ऑफ पावर है वो देखना बहुत ज़रूरी है. स्पोर्ट्स बजट अप 3 times, गवर्नमेंट इनकरेजिंग यूथ सेज PM. नाउ व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्पोर्ट्स गवर्नेंस पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा. आई डू नॉट नो कौन से पेपर में आएगा, पर वो क्वेश्चन आएगा. GS1 में आ सकता है, GS4 में आ सकता है, सो यू शुड बी GS2 में आ सकता है. So you should be preparing it very nicely. Why? Because FIFA ने हमें suspend कर दिया था कुछ समय के लिए. फिर साथ ही में अभी हमने protests देखी हैं. You should be doing it nicely. और फिर बहुत सारे you know BCCI को लेके काफ़ी हमने दिक्कतें देखी थी अभी recently. You know elections and all of that. आप जानते हैं सौरव गांगुली, प्रफुल्ल पटेल, ये सब कुछ हमने देखा है. So sports governance is one area you should be preparing very nicely. और साथ ही में you know जब भी आप, और वो हमने विजन IAS की अगस्त के महीने में डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल. ओके, तो एक और चीज यहाँ पे, लेकिन जब भी आप स्पोर्ट्स गवर्नेंस के बारे में लिखे तो आप लिखेंगे व्हाट हैव द स्टेप्स बीन यू नो द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. यू शुड राइट अबाउट दिस ईयर्स बजट, क्योंकि इस साल के बजट में क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ₹2500 करोड़ एलोकेट किया गया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को. दिस इज़ वन पॉइंट यू शुड बी राइटिंग अबाउट, क्योंकि 2014 में सिर्फ 800 करोड़ के करीब एलोकेट किया गया था. तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा जंप है. ओके, तो ये चीज मोर देन यू नो 3 times, इट्स ऑलमोस्ट 3 times जंप हमने देखा है. तो एक पॉइंट तो आप ये जरूर लिखेंगे. फिर और हमने क्या किया है, टॉप्स स्कीम के बारे में लिखेंगे. सब कुछ हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. टॉप स्कीम क्या है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम्स यू शुड बी राइटिंग अबाउट इट, जिसमें हम बेसिकली इतना ट्रेन करना यू नो टैलेंट को आइडेंटिफाई करके, फिर जो आइडेंटिफाई करते हैं उनको ट्रेन करते हैं, उनको फैसिलिटी देते हैं कोचिंग की एंड ऑल ऑफ दैट, और फिर उनको हम ओलंपिक लेवल बनाते हैं. तो ये टॉप्स स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए. एक बजट का पॉइंट लिखेंगे, टॉप्स का पॉइंट लिखेंगे, आप खेलो इंडिया कैंपेन के बारे में लिखेंगे. बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जनरेट भी की जा रही है स्टेट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये सब कुछ आप जानते हैं. ओके, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है खेलो इंडिया के तहत. सो 3 points ये got from here. Okay, he said that the amount given in major sports awards, और साथ ही में चौथा पॉइंट जो आपको जो स्पोर्ट्स अवार्ड्स मिला करते थे उसमें जो अमाउंट दिया जाता था वो भी 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है. तो ये चीज़ एक यू नो काफ़ी अच्छा है, बिकॉज यू नो स्पोर्ट्स पर्सन को भी लगता है ओके देर इज समबडी वी गेटिंग समथिंग इन रिटर्न. इंसेंटिव होता है कहीं ना कहीं, अब आप इसको माने या ना माने, कहीं ना कहीं अच्छा लगता है जब हमारे टैलेंट को रिकग्निशन मिलती है भारत से, भारत सरकार से.
सो दैट वे तो ये चार पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. और साथ ही में यहाँ पे एक और चीज़ देखिए जो काफ़ी बार मिस्टर मोदी कहते हैं और हमने अभी योगी आदित्यनाथ जी जो UP CM है उनको भी बोलते सुना था. मिस्टर मोदी की यही आउटरीच है बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन्स के प्रति या यूथ के प्रति के स्पोर्ट को हॉबी ना देखा जाए, क्योंकि बस हमें ऐसे ही खाली हैं तो खेल लिया, वो कभी एक्सपर्टीज डेवलप नहीं हो पाएगी. स्पोर्ट्स में करियर बन सकता है, सिर्फ पढ़ाई में थोड़ी ना बन सकता है. तो ये जो सोच है यू नो ये NEP जो है बेसिकली आप उसका एग्जांपल लिख सकते हैं कैसे वो भी प्रमोट करती है जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है हमारी. सो यू कैन राइट ऑल ऑफ दिस, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड. नॉट जस्ट क्रूड कोरिएंडर सीड इम्पोर्ट्स टू स्पाइस अप रशिया ट्रेड. तो अगर बाय चांस यू नो आपकी UPSC में एक स्टेटमेंट आए प्रीलिम्स में और उसमें यू नो रशिया इंडिया ट्रेड से रिलेटेड दो चार स्टेटमेंट्स लिखी हैं, तो वॉश थ्रू अकाउंट पे एक स्टेटमेंट हो सकती है, ट्रेड पे यू नो हमने कितना सर्ज देखा एंड ऑल ऑफ दैट. वो आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी इस तरह की डेटा आया है इस तरह का, तो आप जानते हैं सब कुछ. तो एक यू नो उसमें स्टेटमेंट हो सकती है दैट इंडिया हैज़ बीन इम्पोर्टिंग ओनली क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया. दैट्स रॉन्ग, वी आर इम्पोर्टिंग कोरिएंडर सीड्स. ओके, हम बेसिकली कोरिएंडर सीड्स भी इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से और उसमें 1000% से ज्यादा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी है हमने. तो आप खुद सोचिए, इट इज ह्यूज. तो यहाँ पे वही चीज लिखी है कि अगर इंडिया का रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट बढ़ा है तो कोरिएंडर सीड इंपोर्ट भी काफी बढ़ा है. ओके, जिसे हम साबुत धनिया कहते हैं. और वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, वॉल्यूम भी बढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट और वैल्यू ऑफ कोरिएंडर सीड इंपोर्ट दोनों ही बढ़े हैं. 1313% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी है हमने. ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है. और ऐसा है कि अब मैं आपको बताऊँ अगर कोरिएंडर सीड के बारे में जो यहाँ पे फॉलो ऑन इंफॉर्मेशन है, तो इंडिया हैज़ अ यूनिक पोजिशन इन ग्लोबल कोरिएंडर ट्रेड एंड प्रोडक्शन. हम क्या है, हम अमंग द टॉप इंपोर्टर्स भी आते हैं, अमंग द टॉप प्रोड्यूसर्स भी आते हैं, अमंग द टॉप कंज्यूमर्स भी आते हैं और साथ ही में अमंग द टॉप एक्सपोर्टर्स भी आते हैं कोरिएंडर सीड्स के. ठीक है, तो ये काफ़ी इंट्रीग्यूइंग है क्योंकि हमारी शायद डिमांड ही इतनी ज़्यादा है. ओके, और डिमांड के साथ साथ वही अभी आई विल एक्सप्लेन, आपको समझ आ जाएगा कि एक्सपोर्ट भी और इंपोर्ट भी दोनों साथ साथ कैसे हम टॉप में आ सकते हैं. और आपको ये भी पता होना चाहिए हमारे अलावा टॉप एक्सपोर्टर्स कौन है, रशिया है, इटली है, बुल्गेरिया है, ये आपको पता होना चाहिए. देखिए अभी क्या हो रहा है, यू नो लोअर डोमेस्टिक प्रोडक्शन. इस बार डोमेस्टिकली हम इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाए हैं, तो इसीलिए जो ऑफकोर्स जब सप्लाई कम हो गई है, डिमांड ज़्यादा है, तो फिर महंगाई हो जाती है. तो इसीलिए जो डोमेस्टिक कोरिएंडर सीड का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है. तो इसीलिए जो रशियन कोरिएंडर सीड्स हैं वो काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं और हमें डिस्काउंट पे भी मिल रहे हैं, तो हमें वो डिफरेंशियल प्राइस डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा लगता है. इसीलिए हमने उनसे काफ़ी ज़्यादा कोरिएंडर सीड्स को इम्पोर्ट किया है. सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो. अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, केरला में ड्रग्स प्रॉब्लम. नाउ केरला हैज़ अ न्यू प्रॉब्लम एंड इट इज़ ड्रग्स. आपको जैसे कि मैंने आपको बताया वो रिपोर्ट में, अगर ड्रग्स पे कोई केस स्टडी आ जाती है एथिक्स में, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल पंजाब रिलेटेड, बिकॉज पंजाब इज सीइंग दिस रिसर्जेंस ऑफ खालिस्तान, यू नो दिस व्हाट इज इट सेड, काफ़ी गन कल्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वॉयलेंस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यू नो ऑल ऑफ दैट. तो पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में आप उसको शुरुआत ही ऐसे कर सकते हैं, जो एक अभी पल्सा की रिपोर्ट आई है, जैसे उन्होंने बताया कि अराउंड 41.2% जो पंजाब के जेलों में लोग हैं, यानी कि जो इनमेट्स हैं, 41.2% वो उन जेल इनमेट्स में से NDPS एक्ट के तहत या किसी और इस तरह के ड्रग मैनेज के एक्ट के तहत अंदर किए गए हैं. तो आप देख सकते हैं ड्रग मैनेज कितना बड़ा इशू है पंजाब के लिए. वैसे ही अगर हम केरला में देखें, मैंने आपको तब भी बताया था कि केरला में द गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्राइंग अ लॉट टू गेट रिड ऑफ दिस ड्रग मैनेज. आपको जैसे कि मैंने बताया था केरला के जैसे कोझिकोड़े डिस्ट्रिक्ट में, कोटायम, जो भी यू नो इस तरह के काफ़ी जो स्कूल्स हैं, और जो आप केरला की एक्साइज डिपार्टमेंट है, केरला की एक्साइज डिपार्टमेंट की विमुक्ति क्लब्स हैं, जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि रिहैबिलिटेशन ऑफ जो ड्रग्स छोड़ना चाहते हैं ये सब वगैरह के लिए काम करते हैं. और तो वो क्या कर रहे हैं, वो स्कूल्स में भी एक्सपैंड कर रहे हैं खुद को, विमुक्ति क्लब्स. तो उससे वो क्या कर रहे हैं कि बच्चों को स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा डालने की कोशिश कर रहे हैं. तो उससे क्या होगा, व्हेन यू नो youth finds a high in sports, so they sort of get rid of the drug menace. They don't really want to have drugs because it's just almost
every time very enthusiastic about playing and you know all of that. So very unique way and it works. Okay, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं केरला में डेटा क्या बताता है. That the police registered 26,629 cases under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, जो 1985 का एक एक्ट है. ये हम 2022 का डेटा देख रहे हैं. 26,000 के करीब केसेस आए हैं, विच इज अ जंप ऑफ ओवर 300%. जो हम 2016 का अगर डेटा डिस्कस करें तो 5,000 के केस आए थे करीब यहाँ पे. ओके, तो विच इज ह्यूज, यू नो, आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे बन चुकी है. अब देखिए रिपोर्ट्स ये कहती हैं, ये दो रीजंस हैं इसके कि ज्यादा हम रिसर्जेंस देख रहे हैं केसेस में, जंप देख रहे हैं. एक तो ये कि अब क्योंकि जो केरला का एक्साइज डिपार्टमेंट है और वो काफ़ी बढ़ चढ़ के रेड्स कर रहा है, तो ऑफकोर्स पहले शायद अननोटिस चले जाते होंगे, होता पहले भी होगा, लेकिन अब स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट हो गई है तो इसीलिए ज़्यादा केसेस पता चल रहे हैं. दूसरा ये है कि एक्सेस काफ़ी ईजी हो गया है बच्चों के लिए, यूथ के लिए. जैसे जो रिक्रिएशनल एक सिंथेटिक ड्रग है MDMA या LSD, वो काफ़ी ईजिली एक्सेसिबल है, तो इसीलिए यू नो बिकॉज पीपल नाउ नो अबाउट इट, सो पीयर प्रेशर होता है दैट यू शुड बी एक्सप्लोरिंग इट वंस. वो वंस कर करके एक बार ही आप शराब पीने लगते हैं तो वंस फिर ऑलवेज हो जाता है. वंस आप ड्रग्स ट्राई करते हैं वो वंस ऑलवेज हो जाता है. वही आपके टोबैको में भी होता है या सिगरेट में होता है. तो वही यहाँ वो तो खैर संसार ही इशू है, सिर्फ केरला की बात नहीं है. और बेंगलुरु और गोवा से सबसे ज़्यादा सोर्स किया जा रहा है, ये हब है बेसिकली, सोर्स हब है केरला में यू नो ये ड्रग्स आने के. अब देखिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, हमने कल ही डिस्कस किया है ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम को. अगर बाय चांस आपका एक मेंस में इस पे प्रश्न आ जाता है तो उसमें एक सजेशन है, ये बहुत अच्छी सजेशन, आई थिंक आपको इसी से कंक्लूड करना चाहिए, यही वे फॉरवर्ड में लिखना चाहिए. क्या है कि देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम आप जानते हैं कि चार ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में देख लिया है हमने अभी, हिमाचल प्रदेश में देख लिया है, इट हैज़ गॉन बैक टू OPS, और अरविंद केजरीवाल इज टॉकिंग अबाउट इट लेटली. सो मिस्टर अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ऑल्सो वॉन्ट्स टू गो बैक टू OPS. एंड वी सी के जो महाराष्ट्र में जो शिंदे गवर्नमेंट है वो भी डिनाई नहीं कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है OPS से. तो हो सकता है जब जनता की डिमांड है तो पावर तुम्हें आ रहना ही है ना, पावर में तो कुछ तो करना ही है. तो वही चीज, चाहे इकोनॉमिकली बुरी है OPS या सही है, फिर वो सब मैटर नहीं करता, वो सिर्फ फिर जीतना मैटर करता है. तो फिर NPS की अगर हम बात करें तो NPS का भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि NPS 2004 से, आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद से के समय से बेसिकली NPS लाया गया था. और NPS इकोनॉमिकली सस्टेनेबल है. देखिए ये सब कुछ आप बिल्कुल जाके पढ़ सकते हैं, हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया है, बहुत बार पहले भी डिस्कस किया है. तो OPS में क्या होता था, अगर मैं ब्रीफली आपको बताऊं, जो भी आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी होती थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, यानी कि रिटायर होने से पिछला महीना जो था, बिल्कुल जो इससे पहले वाला महीना रिटायर होने से, और जितना आप सैलरी उसमें ले रहे थे उसका 50% आपको तहा उम्र बेसिकली आपको पेंशन के रूप में मंथली बेसिस में मिलता रहेगा, और डियरनेस अलाउंस इन्फ्लेशन को जोड़ जोड़ के मिलेगा सब कुछ. तो क्या है, इसमें आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूट तो कर नहीं रहे, आपसे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो, सारा का सारा बर्डन आता है आप जैसे लोगों पे जो यंग टैक्स पेयर्स हैं. सो यू विल बी एक्चुअली पेइंग फॉर द सोशल सिक्योरिटी एंड नॉट टू फुली एंड होली आप अपने यू नो बेसिकली जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सारा भार बेसिकली आपने उठाना है. लेकिन NPS ऑफकोर्स देखिए सोशल सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी बात है ना, सरकार को उठानी चाहिए, वेलफेयर स्टेट एंड ऑल ऑफ दैट, पर आपको सच में ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट कब होगी, फिर कैसे होगी? भारत के अगर कुछ एस्पिरेशंस हैं कि हम ग्लोबल सुपर पावर यू नो ऑल ऑफ दैट, सो इट्स कम्प्लीटली इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल है. श्रीलंका की स्थिति देखी है अभी हमने, तो NPS को ये बात समझ आ गई, यानी कि उस समय की सरकार को रिपोर्ट्स ने बताया एक्चुअली काफ़ी, और किसी को कोई दिक्कत नहीं थी. उसके बाद सरकार बदली भी, सबने उसी के साथ कंटिन्यू किया NPS के साथ, है ना. तो NPS में क्या होता है कि कुछ प्रतिशत आप जब आप अभी जॉब कर ही रहे हैं तो आप अपनी तरफ से अलग रख देते हैं हर महीने की तनख्वाह में से, और फिर उतना ही अमाउंट बेसिकली सरकार अलग रख देती है आपके लिए उसी अकाउंट में. तो उससे क्या होता है, फिर जब आप रिटायर होते हैं तो आपको मिलना शुरू हो जाता है उसमें से. 60% आप लमसम विड्रॉ कर सकते हैं, उस पर आपको आई थिंक कोई टैक्स नहीं लगता, और उसका जो 40% है उसकी एक एन्युटी स्कीम बन जाती है जो आपको मंथली एक पेमेंट देती रहेगी, तो विच इज़ आई थिंक गुड. लेकिन ऑफकोर्स यू नो NPS के भी काफ़ी डीमेरिट्स हैं, जैसे यू नो ऑफकोर्स आपको भी पे करना है, साथ ही में कोई टैक्स डिडक्शन वाली चीज़ नहीं, एंड यू नो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं. टैक्स डिडक्शन तो नहीं, ये कुछ कुछ दिक्कतें. NPS इतना पॉलिटिकली भी सही नहीं लगता,
है ना, और यू नो ऑल ऑफ दैट। तो इसीलिए अब सर जो केंद्रीय सरकार है, जो बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट है, तो उनको भी लग रहा है कि देखिए एनपीएस तो हमें इलेक्शंस जितवाएगी नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत हो सकती है। वैसे इलेक्शन तो कोई भी जितवा देगा, खैर, पर एक दिक्कत है। तो ओपीएस लेकिन हम जा नहीं सकते क्योंकि ओपीएस तो बिल्कुल ही बर्बाद कर देगा। तो आंध्र प्रदेश में एक आया है नया यू नो पेंशन मॉडल, जिसका नाम है गारंटीड पेंशन स्कीम, जीपीएस मॉडल। आप इसको जरूर लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या करता है, बेस्ट ऑफ द टू वर्ल्ड्स लेता है। ओपीएस का भी कुछ प्रतिशत निकालता है, ओपीएस से भी कुछ सीखा है इसने, एनपीएस से भी कुछ सीखा है। तो क्या है कि यहाँ पे बेसिकली गारंटीड पेंशन स्कीम, क्या आपकी पेंशन गारंटीड है, डू नॉट वरी। क्या होगा लेकिन, आप अगर आपको 33% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो भी आपकी लास्ट महीने की सैलरी थी, उसका 33% मिलेगा अगर आप बेसिकली अपनी पूरी उम्र की जो बेसिकली सैलरी जब आप यंग होते हैं उसमें से 10% अपनी हर मंथ की सैलरी अलग रखते हैं। वही 10% सरकार भी, स्टेट गवर्नमेंट भी मैच करके अलग रखेगी। और अगर आप यू नो एक और है, दोनों में से ऑप्शन आपको मिलता है, आपको 40% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी भी मिल सकती है अगर आप 14%, थोड़ा सा हाई आपको रखना पड़ेगा, लेकिन है तो आप ही का, मिलना तो सब कुछ आपको है, और उतना ही बेसिकली सरकार भी मैच करेगी, गवर्नमेंट वुड ऑल्सो मैच दिस कॉन्ट्रीब्यूशन। सो आई थिंक दिस इज अ मिड वे सॉर्ट ऑफ थिंग एंड ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव, इट साउंड्स इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तो ये चीज आप लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम द हिंदू के बाकी आर्टिकल्स देख लेते हैं जो भी यहाँ पे हमें आज डिस्कस करने हैं। ओके, यूएस शूट्स डाउन बलून, बीजिंग वॉन्ट्स ऑफ रिस्पॉन्स। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं जो मोंटाना में हमें यू नो बेसिकली यूएस का कहना है ये स्पाई बलून है, चाइना ने तो रिग्रेट भी एक्सप्रेस किया कि एंटनी ब्लिंकन के आने से जस्ट कुछ ही समय पहले बलून एक डिटेक्ट हो गया, तो लेकिन वो एक्चुअली स्पाई बलून नहीं है, कोई सर्वेलेंस बलून नहीं है, ये तो एक सिविलियन बलून है, केवल मीटरोलॉजिकल सिचुएशंस को मॉनिटर करने के लिए, बारिश सही से हो रही है, क्लाइमेट, वेदर, यू नो ऑल ऑफ दैट। तो लेकिन यूएस कहता है अरे कम ऑन, आर वी किड्स, यू नो हमें नहीं पता कि आपने स्पाई बलून यहाँ भेजा है, इट इज, वी आर डैम श्योर दैट इट इज अ स्पाई बलून। लेकिन इससे पहले जो बाइडन ने मना कर दिया था इसको शूट डाउन करने से, क्योंकि बड़े सारे डेब्रीज आएंगे और फिर उसको क्लीन अप और उसमें काफी कॉस्ट जाएगा, तो उससे काफी दिक्कतें हो सकती। लेकिन फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑन संडे शॉट डाउन अ चाइनीज सर्वेलेंस बलून दैट हैड फ्लोटेड ओवर अमेरिकन एयर स्पेस फॉर सेवरल डेज, ट्रिगरिंग द लेटेस्ट डिप्लोमेटिक क्राइसिस। अभी देखिए बेचारों ने अभी सुलह मशवरा बेसिकली की थी कि हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, हम कॉम्पिटिशन चाहते हैं, हेल्दी कॉम्पिटिशन, कॉन्फ्लिक्ट हमारा इरादा नहीं है। G20 की बाली समिट में दोनों ने डिसाइड किया था, बाइडन ने और शी जिनपिंग ने, पर वो क्या ही हो गया, इनका तो डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो और लोएस्ट पॉइंट पे चला गया है इसके बाद। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। तो फिर उन्होंने साफ बोल दिया, चाइना ने कहा अरे हमने रिग्रेट एक्सप्रेस कर दिया, और क्या करते हैं आपके पैरों में पड़ जाते हैं, ठीक है अब आपने ये करके हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि कल को आपका कोई बलून आता ना या आपका कोई एयरक्राफ्ट हमें आसपास दिखता है, वी नाउ रिजर्व द राइट टू टेक द सेम मेजर्स जो आपने लिया है, अगर ऐसी कोई सिमिलर सिचुएशन आने वाले समय में होती है, वी विल शूट डाउन योर एयरक्राफ्ट एंड योर बलून ऑल्सो नाउ। सो यू नो दिस हैज कम अप हियर, चाइना विल रेजोल्यूटली सेफ गार्ड द लेजिटिमेट इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ द कंपनी कंसर्न एंड रिजर्व द राइट टू मेक फर्दर रिस्पॉन्सेज इफ नेसेसरी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आई हैं। अब हमें यू नो द हिंदू के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करना है। आई थिंक हम जो तिपरा लैंड का कॉन्सेप्ट है वो पहले भी देख चुके हैं, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बट लेट्स जस्ट सी व्हाट ऑल इज लेफ्ट हियर। अब देखिए यहाँ पे बस इतना कि जो फॉर्मर इजरायली पी एम नफ्तली बेनेट, आप जानते हैं, इन्होंने कहा है कि जो जेलेंस्की है, पुतिन ने प्रॉमिस किया है मुझे, आई हैव हैड लाइक आई हैव हिज वर्ड कि पुतिन मारेंगे नहीं, ही वुडंट किल जेलेंस्की, क्योंकि जब यू नो शुरुआत हुई थी इस इन्वेजन की, इस वॉर की, इस कॉन्फ्लिक्ट की, तो जो नफ्तली बेनेट है वो एक तरह से मीडिएटर उभर के आए थे जब बिल्कुल शुरुआत ही हुई थी। तो फिर उन्होंने पूछा डू यू इंटेंड टू किल जेलेंस्की, सो पुतिन रिप्लाइड ओ नो नॉट एट ऑल, आई विल नॉट किल हिम। ओके, फाइव न्यू अपॉइंटमेंट्स इन सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल सिग्नल दैट कुलिजम हैज प्रिवेल ओवर यूनियन गवर्नमेंट। तो देखिए आप जानते हैं कि क्या यूनियन गवर्नमेंट और कुलिजम के बीच में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्या टसल छिड़ा हुआ है। हम ऑलमोस्ट हर दिन लॉ मिनिस्टर की तरफ से कुछ ना कुछ तो देख ही रहे हैं ऑलमोस्ट, तो आप जानते हैं। लेकिन फाइनली एक एक्सप्लेनेशन ही है, किसी की एनालिसिस है, न्यूज एनालिसिस,
तो उनका कहना है कि फाइनली अब ये जो 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट हुए हैं जो कुलिजम ने रेकमेंड किए थे, उनकी अपॉइंटमेंट दिखाती है कि कुलिजम नहीं दिया, कहीं ना कहीं द गवर्नमेंट विल हैव टू यू नो बाउ डाउन टू व्हाट द कुलिजम सेज. ओके, सो इट प्रिवेल्ड. तो ये चीज़ यहाँ पे इनका बताने का और समझाने का तरीका है. ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फाइनली, ये सब कुछ तो नहीं इंपॉर्टेंट, मंडे स्वरिंग इन इज ऑल्सो अ साइन दैट द कोर्ट हैज़ प्रिवेल्ड ओवर द गवर्नमेंट्स कंटिन्यूस अटैक्स ऑन द कोलिजन सिस्टम. द कोर्ट हैज़ रिफ्यूज टू लेट. ओके, तो कोर्ट बेसिकली झुकने से कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया. ओके, और साथ ही में उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया सरकार पे प्रेशर डालने का. वो झुकना तो दूर की बात है, उन्होंने अपने रेजोल्यूशंस वगैरह इस तरह से इन 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस के यू नो अपॉइंटमेंट के लिए ऐसे इस तरह के रेजोल्यूशंस और गाइडलाइंस यू नो इशू की सरकार को. जैसे कुलजिम ने सिंपली बोल दिया कि देखिए ये जो नेम्स हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि सीनियोरिटी बेसिस पे यही नेम्स बनते हैं, इन्हीं को रेकमेंड किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये अभी पेंडिंग नाम रहेगा और आपने किसी और को अपॉइंट कर दिया जो हमने आपको भेजे हुए हैं. बिल्कुल भी नहीं, पहले ये अपॉइंट होंगे, इसके बाद कुछ अपॉइंटमेंट होगी. सो यू के नॉट डू दैट. आप कुछ भी अपॉइंट मत कीजिए किसी को भी जब तक ये 5 लोग अपॉइंट नहीं हो जाते. ओके, तो ये चीज़ अ कोलिजियम रेजोल्यूशन ऑफ जनवरी 31. तो यही चीज़ जिसमें आप जानते हैं जस्टिस पंकज मित्तल, संजय करोल, पीवी संजय कुमार. ओके, तो ये हमने देखा है. इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये चीज बताई गई है कि अभी सौरभ कृपाल जी हुज एन ओपनली गे एडवोकेट, तो उनके केस में भी बेसिकली जो यू नो रॉ ने बताया कि ये ओपनली गे है, स्विस नेशनल इनके एक पार्टनर है, इंटीमेट पार्टनर है, यू नो ऑल ऑफ दैट. तो फिर इसके रिस्पॉन्स में जो डी वाई चंद्रचूड़ जी हैं, ही वेंट पब्लिक, द इंटायर सुप्रीम कोर्ट वेंट पब्लिक अबाउट इट. उन्होंने रीजंस कोट किए कि देखिए सरकार ने दोबारा हमें फाइल भेज दी है, हम तो चाहते हैं सौरभ कृपाल जी ही यू नो अपॉइंट होंगे, तो लेकिन सरकार कह रही है. तो क्या अगर कोई कोई गे है तो मतलब गुनाह हो गया, वो अनफिट हो गया एक बंदा के यू नो सरकार का कहना था कि वो LGBTQ राइट्स के लिए उनका थोड़ा बायस होगा. अरे तो मतलब अगर कोई हिंदू है तो फिर उसका हिंदू उसके लिए बायस होगा, कोई मुस्लिम है तो उनका मुस्लिम तरह के केसेस के लिए बायस होगा, तो ये कौन सी बात हुई? कोई लड़की है तो लड़कियों के लिए बायस हो जाएगा. सो दिस इज यू नो ऐसा उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कहा. और लेकिन बात क्या है, ये एनालिसिस ये कहता है जो एडवोकेट ऑफ ट्रांसपेरेंसी है कि कोलिजियम सिस्टम ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, किरण रिजिजू जी जो लॉ मिनिस्टर है वो बल्कि एंटायर ट्रांसपेरेंट होते दिखे हैं. यहाँ पे उन्होंने कहा है आपने पब्लिक क्यों कर दिया, दे शुडंट गो पब्लिक. अभी तक तो यू नो यही तो एक तरीका है जो कोलिजियम को पब्लिक बना सकता है, कोलिजियम में ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात कर सकता है. ओके, तो अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई. जब आप नॉर्थ स्टार के बारे में प्रिपेयर करेंगे तो आप थोड़ा सा उर्सा मेजर और उर्सा माइनर, कुछ है ही नहीं बहुत, थोड़ा सा कुछ कुछ यू नो बिग बेयर और ये सब वगैरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है. ट्राइबल होप्स, अब देखिए यहाँ पे क्या है, तिपरा लैंड का इशू है. अब तिपरा मोठा जो है बेसिकली उन्होंने LGBTQ+ कम्युनिटी के लिए भी अपना पिच कर दिया है सपोर्ट. इक्वालिटी में हम बिलीव रखते हैं, दे हैव बिन मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी, ये सब कुछ उन्होंने बोला है. द पार्टी विल कॉन्टेस्ट 42 ऑफ द 60 सीट्स एंड आई थिंक तृणमूल कांग्रेस शायद 28 सीटों के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें, अब देखिए यहाँ पे इशू क्या है, हम पहले भी देख चुके हैं तिपरा लैंड, गोरखा लैंड और नागालैंड, ग्रेटर नागालैंड. तो अगर आपके पास एक बहुत फुल फ्लेज GS1 में या GS3 में कोई क्वेश्चन आता है इस तरह का कि सिसेशनिस्ट मूवमेंट नहीं तो रीजनल एस्पिरेशन, तो आप उसमें ये सब कुछ लिखेंगे. तो अगर गोरखा लैंड आपको पता होना चाहिए, ग्रेटर नागालैंड हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो वैसे ही तिपरा लैंड भी आप नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर ही कंप्लीट नहीं है, क्योंकि फरवरी में तो इनके इलेक्शन है. तो तिपरा लैंड बेसिकली एक स्टेट होने वाली है अगर ये बन जाती है तो, मतलब ये बेसिकली एस्पिरेशन है तिपरा लैंड को लेके, एक प्रपोज्ड स्टेट है भारत में ही, जो बेसिकली इंडिजिनस त्रिपुरी पीपल जो हैं, बेसिकली जो ट्राइबल पीपल हैं, जो त्रिपुरी ट्राइबल्स हैं उनकी एक स्टेट होगी. ओके, तो डिमांड क्या है, जो त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो जो वो वाला एरिया है बेसिकली और उसके आसपास का कुछ सराउंडिंग एरिया उसको एक सेपरेट स्टेट में बना दिया जाए जिसे हम तिपरा लैंड कहेंगे. ओके, तो अगर ये स्टेट बन गई तो इट वुड बी अराउंड 68% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द करंट त्रिपुरा एज अ स्टेट. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. अब देखिए ये मांग क्यों है, क्योंकि क्या हुआ था, आप जानते हैं कि यू नो
एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए जो त्रिपुरा मोठा के जो भी लड़ रहे हैं वो कौन है। तो जो त्रिपुरा है वो एक उसको किंगडम रूल किया करता था, एक डायनेस्टी रूल किया करती थी माणिक्य। तो अगर हम 13th सेंचुरी से लेके 1949 तक की बात करें, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ त्रिपुरा के साथ भारत सरकार का, तब तक यही डायनेस्टी उसको रूल कर रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ है अभी रिसेंटली जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई उसके बाद और उससे पहले भी काफ़ी सारी बंगालीज जो ईस्ट पाकिस्तान से 1947 से 1971 के बीच में त्रिपुरा में आ गए, ठीक है। तो क्या हुआ 1881 की अगर हम बात करें तो 63.77% जो पॉपुलेशन थी वो त्रिपुरी ट्राइबल्स की थी त्रिपुरा में। लेकिन अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें तो केवल 31% है जो इंडिजिनस त्रिपुरी पीपल हैं वही यहाँ पे माइनॉरिटी बन गए हैं। तो ये इनका इशू है, ठीक है। तो वही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। Now let's see what happens, because then it's political. We shouldn't be going into it. Okay. अब आप जानते हैं सेवा के बारे में। सेवा पे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। You should be preparing it properly. SHGs और ये सब के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, सेल्फ एम्पावरमेंट वुमेन्स एसोसिएशन जो इनकी फाउंडर थी, जो गांधीयन ईला भट्ट, शी पास्ड अवे वेरी रिसेंटली, दैट। सो इसीलिए हिलारी क्लिंटन आई हैं टू पे ट्रिब्यूट टू ईला भट्ट। और वही यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं दैट इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सेवा जैसी कोई चीज़ एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, वर्ल्ड टॉक्स अबाउट एनर्जी ट्रांजिशन बट नेशंस येट टू इन्वेस्ट। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, G20 का एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है, क्योंकि हम प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हमारी प्रेसिडेंसी में। तो देखिए हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर हैं आरके सिंह जी, उन्होंने कहा है कि देखिए पूरा संसार बात कर रहा है एनर्जी ट्रांजिशन, फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन करके आ जाओ कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं है इन्वेस्ट करने में इस तरह की ट्रांजिशन में। मतलब आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि एक डेवलपिंग कंट्री अगर ट्रांजिशन करेगी अपना तो उसको पैसे चाहिए, फिर वो डेवलप नहीं कर पाएगी क्योंकि सारा पैसा तो यहाँ चला गया ट्रांजिशन में, तो उसको कौन पे करेगा उस चीज़ के लिए। एक ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे रखने की कोशिश की, द मिनिस्टर सेड दैट द फोकस ऑफ द वर्ल्ड शुड ऑल्सो बी ऑन एक्सेस टू फिनेंस फॉर मूविंग टू, वही चीज़ कि लो कॉस्ट फिनेंसिंग की बहुत ज़रूरी है इस एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, लेकिन वो तो कोई डेवलप्ड नेशन करने के लिए तैयार नहीं है। कोपनहेगन समिट को गए इतने साल हो गए, तब तो $100 बिलियन की बात की थी, अब तो $100 बिलियन में कुछ भी नहीं होगा। खैर उतना ही दे दो, बट नो नथिंग एट ऑल। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन डिस्कोर्स नीड्स टू मूव अलोंग विद एनर्जी सिक्योरिटी एज अ सप्लाई चेन इमर्जेस एज अ चैलेंज। अब देखिए इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी है, जी हाँ बिल्कुल होना चाहिए एनर्जी ट्रांजिशन, लेकिन एनर्जी ट्रांजिशन विद एनर्जी सिक्योरिटी इज द की। आप एनर्जी ट्रांजिशन करने की होड़ में एनर्जी सिक्योरिटी को मत भूल जाइए। देखिए भारत का जो केस है वो थोड़ा यूनिक है, वो जो एडिटोरियल ऊपर लिखा है वही बातें मैं आपको यहाँ बता रही हूँ क्योंकि वो एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर ही, और उसमें यही बताया है कि भारत का केस यूनिक क्यों है। भारत का केस यूनिक इसीलिए है क्योंकि देखिए बाकी कंट्रीज में क्या है ना, एनर्जी ट्रांजिशन डेवलप्ड इकोनॉमीज में करना बहुत आसान है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन तो बढ़नी नहीं है, उनकी डिमांड तो कभी बढ़नी नहीं है, उनका कुछ नहीं बढ़ना, कुछ डेवलप वगैरह कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे, कोई और रिक्वायरमेंट है ही नहीं है, तो वो क्लाइमेट चेंज वगैरह बड़े आराम से उस पर ध्यान, कुछ बचा ही नहीं है ना डेवलप करने के लिए, और ना ही कोई डिमांड बढ़ रही है एनर्जी की या इलेक्ट्रिसिटी की। यहाँ तो डिमांड बढ़ रही है, 2030 तक तो हमारी डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है, 2045 तक तो ऑलमोस्ट डबल होने वाली है ना, तो ये बात हमें पता है। तो इतनी सारी डिमांड को हम क्या केवल रिन्यूएबल एनर्जी से केटर कर देंगे? नहीं पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो वही चीज़, तो अगर क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो एनर्जी सिक्योरिटी हमें मद्देनजर रखना है, जो कोल से आएगा फॉसिल फ्यूल से आएगा और वहाँ से आएगा ही, हमारे पास कोई और चारा नहीं है। तो जो बढ़ती हुई डिमांड है उसका कुछ हिस्सा हमें कोल से भरना पड़ेगा। सो एनर्जी ट्रांजिशन विद एनर्जी सिक्योरिटी इज द की। आप कहते हैं कोल टैक्स लगा दो, ये टैक्स, अरे कैसे लगा दें, सीमेंट टैक्स लगा दो, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, ही सेड इंडिया वाज वर्किंग टू इम्प्रूव एनर्जी स्टोरेज। और साथ ही में देखिए रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितना पैसा लगता है इस चीज़ में?
अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज के लिए लिथियम चाहिए, और लिथियम कितना महंगा आता है, और है ही कुछ गिने चुने लैटिन अमेरिकन के 3 कंट्रीज के पास, अब अफगानिस्तान में, फिर तालिबान से बात करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए. सो यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज हाई कॉस्ट, देयर इज अ हाई लिमिटेशन ऑफ लिथियम सप्लाई, सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर. तो एनर्जी सिक्योरिटी को अगर आप नहीं रखेंगे जो कोल से आएगी मद्देनजर, तो आपकी कंट्री बर्बाद हो जाएगी. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है. ओके, और साथ ही में इंडिया रैंक्स अमंग द टॉप 5 नेशंस इन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, वी आर एक्चुअली परफॉर्मिंग फैंटेबुलसली. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, क्योंकि हमने 2030 का जो टारगेट रखा था वो हमने 2021 में ही अटेन कर लिया. वी आर वेल, यू नो, आप कह सकते हैं वेल अहेड ऑफ आवर टारगेट. हमने जो 40% इंस्टॉल कैपेसिटी बोला था नॉन फॉसिल सोर्सेज से आएगी, हमने 2021 में अटेन कर ली. 42% हो चुकी है अब हमारी. तो ये एक डेटा है जो आपको लिखना चाहिए. ओके, बहुत सारे आंसर्स में लिख सकते हैं आप इसको. बाकी फिर तो आगे के टारगेट्स बताए हुए हैं. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक द वीडियो.